क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथ टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर इस तरह है, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए sec a। हमारे पास 15 cot a इज इक्वल टू 8 रेशो दिया है, cot a एक रेशो दिया है, फाइंड साइन ए sec a। पहले हम, मैंने आपको कल भी बताया, पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। ये मैंने ट्रायंगल बनाया, राइट एंगुलर ट्रायंगल, ये राइट एंगुलर ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया ए बी और सी, क्या इट इज गिवन, इट इज गिवन दैट शाबाश 15 cot a इज इक्वल टू 8। हमें यहाँ cot का वैल्यू निकाले, cot a इज इक्वल टू 8/15, ठीक है, cot a का वैल्यू है 8/15। अब हम cot a को ट्रायंगल में ढूंढेंगे, cot a को हम ट्रायंगल में ढूंढेंगे। उसके लिए मैंने आपको कल बताया था, ये जो फार्मूला आपको रखना याद, ऐसे क्वेश्चनों में ये ज़रूरत आएगी, क्या जो मैंने आपको, सम पीपुल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। यहाँ हमें cot देखना है, cot किसका रिवर्स होता है, tan का, tan जो होता है tan a परपेंडिकुलर बटा बेस, लेकिन यहाँ हमें cot निकला, बेस बटा परपेंडिकुलर। इस वक्त हमें cot यहाँ पर देखना है, एंगल a पर, जब a पर निकालेंगे तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बनेगा, इसका अपोजिट साइड ऑफ एंगल a, तो ये एडजेसेंट साइड बनेगा बेस, ठीक है। तो cot किसके बराबर आएगा, ये आएगा ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, ठीक है। तो यहाँ हमने cot a को ट्रायंगल में देखा तो वो आया ए बी बटा बी सी, क्योंकि ए बी अब एडजेसेंट साइड टू एंगल ए एंड बी सी इज अपोजिट साइड टू एंगल ए। अब ये भी cot a, ये भी cot a, ये भी cot a और ये भी cot a, दोनों बराबर, तो फिर क्या लिखेंगे हम, ए बी बटा बी सी इज इक्वल टू 8/15 रेशो, ए बी इज टू बी सी इज इक्वल टू 8/15। हम करेंगे ये के बराबर कांस्टेंट सी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इज इक्वल टू 8k एंड बी सी इज इक्वल टू 15k, ठीक है। हम अब सपोज करेंगे कि ए बी जो है 8k के बराबर है और ये बी सी जो है 15k पर। नाउ वी हैव टू साइड्स इन अ राइट ट्रायंगल गिवन, 8k एंड 15k, ए बी इज इक्वल टू 8k, बी सी इज इक्वल 15k। हमारे पास अब थर्ड साइड निकालना है, जो हाइपोटेन्यूज है, वो किस तरह निकालेगा, किस तरह हम निकालेंगे, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम, पी वाई टी एच ए जी ओ आर ए एस, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या है, बड़े साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ स्क्वायर, जैसे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी हमें निकालना है, ए सी ऐसे ही रहेगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी 8k है, 8k का स्क्वायर शाबाश प्लस ये बी सी कितना है, 15k का स्क्वायर, ठीक है। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 8/64 के स्क्वायर प्लस 15 205 के स्क्वायर, ठीक है। अब ये करो जमा इनको दोनों को, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हम गए 5 4 गए 9 शब्द गए और जह 289 के स्क्वायर, ठीक है। जब ये क्वाड्रेटिक है, जब स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, व्हाट वी विल फाइंड, वी विल फाइंड ए सी इज इक्वल टू 17k, बिकॉज 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर, सो 17k ए सी इज इक्वल टू 7, तो हम यहाँ लिख लीजिए 17k, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि साइन ए का वैल्यू निकालना है और सेक ए, क्योंकि अब हमारे पास तीनों साइड आ गई, तीनों साइड हमारे पास आ गई, ये ए बी भी पता चला, बी सी भी और ए बी ए सी भी। अब हमें साइन देखना है, अब यहाँ पर लिखे हम साइन,
साइन ऑफ ए, ठीक है। जब साइन हम ए एंगल पर हैं तो परपेंडिकुलर ये बनेगा और बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज तो ये होगा। साइन की फार्मूला है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन है बी सी बटा हाइपोटेन्यूज कौन है ए सी। शाबाश, बी सी कितना है 15 के डिवाइडेड बाई 17 के कैंसर, के वन जा के गो 15/17, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेक ए कि किसका अपो रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, कॉस किसके बराबर है बेस बटा हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या आएगा सेक किसका आएगा, सेक आएगा हाँ हाइपोटेन्यूज बटा बेस, यानी ए सी अपोज हाइपोटेन्यूज बटा बेस यानी ए बी, यानी ए बी इज इक्वल टू 17 के बटा 8 के, के वन जा के इज इक्वल टू 17/8, है ना। यही हमें निकालना था।